संगीतमय वाइब्रेशंस में तुम डूबते चले जाना। लगातार देखते रहना भीतर की गति को। घर विचार दशा है, विचारों की गति है, मन माया का खेल चहुं और फैला है। आप जागे जागे रहना, आप अपना दामन बचाए रखना। मन के कचरे से, मन के कीचड़ से, मन की मैल से अपना आप बचाना। लगातार देखते रहना मन माया के विस्तार को। देखने मात्र से अपने आप अंधेरे पतले होते जाते हैं। स्वयं विचारों की गति कम होती जाती है, विचारों की भीड़ कम होती जाती है। स्वयं अंतस का तल इंटीग्रेटेड होता चला जाता है। अपने आप इनर टेक्नोलॉजी वर्क करती है। आपको अपनी जीवन यात्रा पर कुछ नहीं करना, केवल जागे जागे अपनी स्वाभाविक स्थिति में जगमगाते रहना। तो अपने प्रकाश पुंज में, अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में रहना। मन से, विचारों से हटते चले आना, तमाम अंधेरों से हटते चले आना। कहीं खोना जाना, कहीं इंडल्ज ना होना। जागे जागे देखते रहना, पल पल जागना, पल पल वर्तमान में अपनी प्यास, अपनी प्रायोरिटीज। भीतर की ओर केवल देखना ही तो है। बी सिंसियर, बी ऑनेस्ट टू योर ओन रियल सेल्फ। वेरी सिंसियरली वॉच इनसाइड। सिंपली वॉच, सिंपली लुक, बीइंग अ न्यूट्रल एनर्जी। सिंपली लुक, यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। रियलाइज इट। जैसे ही तुम माइंड से, विचारों से, अंधेरों से थोड़ा सा हट करके इन सब स्थितियों को देखते चले जाते हो, आप उसी मोमेंट, उसी वक्त टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री होते हो। इट इज क्वाइट एन इंस्टेंट इवेंट, वेरी इंस्टेंट, क्वाइट इंस्टेंट। तनिक मात्र भी परिणाम में देर नहीं लगती। बहुत कंप्यूटराइज रहेगा। आप थोड़ा सा हटे कि तुम आनंदमय, स्वस्थमय हुए, क्योंकि स्वाभाविक रूप में आप सदा आनंदित हैं, सुखद हैं, स्वस्थ हैं, प्रेममय हैं। यही है तेरा स्वभाव वो इंसान। थोड़ा मन से हट करके जान, थोड़ा विचारों से हट करके जान। डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस विल हेल्प यू टू बी फ्री फ्रॉम द माइंड। जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है, स्वतः ही घटित हो रहा है। भले वो अंधेरा हो, विचार हो, पास्ट और फ्यूचर की तमाम दुनिया उतर रही हो, बीते हुए कल की
स्मृतियां हों, आने वाले कल की कल्पनाएं हों, किसी भी प्रकार का हालात मन के तल से उठे, आप जाके जाके देखते रहना। सब मन का खेल है भीतर, सब मन का विस्तार है, माइंड का है। माइंड के साथ साथ चलना रहना तुम्हें खूब आता है, यही तुमने एजुकेशन से पाया है। परंतु थोड़ा इससे हटकर के भी देख लेना, अपने अनुभव से थोड़ा हटकर के भी रह लेना, अपने स्वभाव में, मन के स्वभाव में अपने आप को उड़ेल देना, अपने आप को इंडल्ज कर देना, अपने आप को लॉस्ट कर देना, ये तेरा धर्म नहीं है, ये इंसानियत नहीं, मानवता नहीं है, ये तेरा धर्म नहीं है। ओ इंसान, नादान मत बन, अच्छा भला समझदार पढ़ा लिखा लिटरेट होकर के, इलीट होकर के तू ये गलती क्यों कर रहा है, तू ये भूल क्यों कर रहा है, ये भूल तेरे से हो क्यों गई है कि तू माइंड के साथ आइडेंटिफाइड हो गया है, इतना जुड़ गया है कि माइंड ही हो गया, माइंड की डुअलिटीज को अपना स्वभाव समझ बैठा, मन के स्वभाव को अपना स्वभाव समझना, ये कहां की बुद्धिमत्ता है, ये कहां की पढ़ाई है, ये कहां का विस्डम है, कैसा है। सवाल उठाना अपने प्रति, अगर थोड़ी सी भी इंटेलिजेंस रखता हो, शोपनहावर की तरह क्वेश्चन उठाना अपने प्रति, मैं हूं कौन, दिन रात मन के साथ गुजर रहा है मेरा, दूसरों के साथ गुजर रहा है, माइंड इज द अदर, दूसरों के साथ गुजर रहा है, इतनी इनसिक्योरिटी फील करता है, तू तो निडर निर्भय अभय स्वभाव का है, तुम भयभीत क्या। मैं हूं कौन, सवाल का जवाब भीतर से लेना, इस सवाल के प्रोसेस में उतर करके लेना, धन्य धन्य हो जाओगी अगर तुम अपनी ओर जागोगी। मेडिटेशन है भीतर की आंख जगमगाए रखना, कहीं भी फोकस नहीं करना और माइंड को भी कहीं किसी पॉइंट पर फोकस नहीं करना, कोई एक्सरसाइज मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना। मेडिटेशन इज नॉट ए मेंटल एक्सरसाइज, इट्स ए डायरेक्ट अप्रोच टुवर्ड्स माइंड, डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेडिटेशन। सबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है,
हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, बेसबब सन्निहित सरोवर पर सूर्य ग्रहण के समय ब्रजभूमि से आए हुए सखा सखियों को, जो केवल इसी बहाने अपने गोपाल के दर्शन करने आए हैं कुरुक्षेत्र में, स्नान से कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने भीतर का स्नान कर लिया, एक बहाना मिल गया, द्वारका से वो आ रहे हैं और सूर्य ग्रहण के अवसर पर बहुत जबरदस्त शोभा यात्रा निकलने वाली है। आ गए और नंद बाबा यशोदा भी आ गए। बरसों बरसों के पश्चात सन्निहित सरोवर के किनारे पर बैठे हैं, उधर से शोभा यात्रा छोड़कर के भागे भगवान कृष्ण उनके बीच पहुंच गए। सब दुनिया हैरान हो गई, कहां चले गए, और बैठ करके तमाम लीला की कहानियां और प्रेम प्यार मोहब्बत के नगमे जो उठे थे उनकी बात करने लगी। आंखों में आंसू भर करके यशोदा नंद बाबा से सखा सखियों से क्षमा मांगने लगी, मैं आ नहीं सका। क्या गजब कहता है सोलह कला, संपूर्ण साक्षात संपूर्ण संपूर्ण अवतार, एक साधारण व्यक्ति की तरह रोता हुआ, किनके सामने, दीवानों के सामने, अपने इष्ट देवों के सामने। क्या गजब, क्या प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, डिवाइन तल पर, आत्मिक तल पर संपूर्ण संपूर्ण जीवन की आभा है, टोटल लाइफ है यहां, जहां परमात्मा भी झुक जाता है, ये वो प्यास है। क्या गजब का जवाब देते हैं प्यासे दीवाने अपने मुर्शिद को, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है। मेडिटेशन की डीप लहरियां हैं या प्रेम के गहरे गहरे पतले पतले धागे हैं या जो किसी पल भी टूटते नहीं, चाहे कितने विपरीत हालात आए, कितने संकट आए, ये प्रेम बढ़ता ही चला जाता है, कभी कम नहीं होता। चंद्रमा की लौ अधिक और न्यून होती चली जाती है, कम ज्यादा होती चली जाती है, परंतु प्रेम की स्थिति में प्रेम रूपी चंद्रमा, प्रेम रूपी चांद, प्यार मोहब्बत रूपी चांद, उसकी लौ कभी कम नहीं होती, वहां अमावस नहीं होती, सदा पूर्णिमा रहती है। बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात
बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने आप मिल गए बस सब शिकवे खत्म हो गए, बेसबब ईगो अहम अहंकार के अंधेरों में घर घर डिप्रेशन में पड़े हो, घर घर डिप्रेशन में रंगा, डिप्रेशन में पड़ा है ड्यू टू ईगो अहम अहंकार के कारण, छोड़िए है, गिरा दीजिए इस कचरे को, माइंड से हट करके जिए, एकदम एक दूसरे की बाहों में जिए, एक दूसरे के साथ प्रेम की लौ जगाकर कीजिए, एक दूसरे के साथ प्रेममय होके जीना, डिप्रेशन विदा हो जाएगा, डिवाइन हो जाएगा, डिप्रेशन विदा होगा, थोड़ा प्रेम जगा, मन के अहंकार को, मन की ईगो को विदा कर मेडिटेशन के महान रंग में उतर करके, मेडिटेशन की गंगा में बह करके विदा कर सारे अहंकार को, अभिमान को, ईगो को, और प्रेममय होकर के घर में दीप जला स्वर्ग के आनंद के, कोई छोटा बड़ा नहीं, वहां एक प्रेम ही प्रेम निरंतर बने रहे। क्या कसम कहते हैं वो दीवाने प्यासे रिंद, वो मेडिटेटर्स, डीप मेडिटेटर्स, डीप मेडिटेटर्स, आपके दम से है दुनिया का भरम कायम, आपके दम से दुनिया का है कायम, आपके दम से दुनिया का भरम है कायम, आप जब हैं, आप जब हैं तो जमाने की जरूरत क्या है, आप जब हैं तो जमाने की जरूरत क्या है, आप जब हैं तो किसी की भी जरूरत क्या है, आप जब हैं तो जमाने की जरूरत क्या है, बेसबब तेरा कूचा, तेरा दर तेरी गली काफी है। महाराजा युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर की प्रार्थना किया, आप महलों में पधारिए, यहां किनारे पर ज्यादा देर बैठना उचित नहीं है, आप हमारे बहुत प्यारे प्यारे मेहमान,
आपके चरणों में सर झुकाते हुए कहते हैं, हमें सेवा का मौका दीजिए, आप चलिए महलों में। यही कहा भगवान कृष्ण ने भी, चलिए महलों में थोड़ा विश्राम और थोड़ा सा जलपान, थोड़ा सा भोजन, उसके पश्चात बैठ के बातचीत करते हैं। क्या गजब का जवाब देते हैं दीवाने प्यासे, देखना हम क्या चाहते हैं और वो क्या कह रहे हैं। प्यासे दीवाने दुनिया को इतना बड़ा महापुराण दे गए, आज तक लोग सुन सुन करके श्रीमद् भागवत को कितने सुखी, कितने खुश, कितने आनंद महसूस करते हैं, कितना रस उतरता है आज भी भागवत कथा में। कहां से निकली, वह तो अनपढ़ अपढ़ गंवार थे सब, वह तो किसी स्कूल में नहीं पढ़ने गए थे, वह तो किसी कॉलेज में किसी आश्रम में नहीं गए थे पढ़ने के लिए, वो तो किसी गुरुकुल में नहीं गए थे। प्यास से बढ़कर के गुरुकुल कहाँ है, प्यास से बढ़कर के कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या है, कौन समझेगा इस परम विज्ञान को, सुपर साइंस को, जिसमें वो जगमगाते हुए सितारे की तरह नूरो नूर होकर के अपने मालिक को भी झुका रहे हैं। क्या गजब कहते हैं गोपाल, तेरा कूचा क्या लेना देना है कहीं जाके, तेरा कूचा तेरा दर तेरी गली काफी है, तेरा कूचा तेरा दर तेरी गली काफी है, हम बेठी कानों को बेठी कानों को ठिकाने की जरूरत क्या है, बेठी कानों को ठिकाने की जरूरत क्या है, हम बेठी कानों को ठिकाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, हम खफा कब थे मनाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, बेसबब बात बढ़ाने की जरूरत क्या है, सब मेडिटेशन तुझको इतना सरल, सहज, विनम्र परंतु निर्भय बना दिए, सरल सहज सरस जीवन एकमात्र तेरे किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश करता है, तेरे अस्तित्व में उतरता है। म
माइंड होकर के जीने वालों को समझ नहीं आती ये बात। माइंड के साथ जुड़कर के जीने वालों को तनिक मात्र भी ये खुशबू ये सुगंध पसंद नहीं है। अहंकार अभिमान को सोचते हैं ये गौरवमयी जिंदगी है, गरिमामयी जिंदगी है। अरे अहंकारी अभिमानी व्यक्ति कभी गौरवान्वित नहीं हो सकता, कभी गरिमामयी नहीं हो सकता, कभी गौरवशाली नहीं हो सकता। माइंड से हटकर के जीने वाला, माइंड के पार होकर जीने वाला ही एकमात्र गौरवशाली है, गरिमामय है। वही एकमात्र जीवन के गौरव को समझता है, जीवन के शिखरों को जानता है। माइंड के तल पे जीने वाले कभी गौरवमय जिंदगी, गरिमामय जिंदगी नहीं जी सकते। वो जरूर सटल ईगो के भी शिकार हो सकते हैं, ना सही मोटे मोटे अहंकार के। बड़े विनम्र सरल बाहर से लगते हैं, भीतर सटल ईगो वर्क करती है। वही एकमात्र गुलामी, सटल गुलामी इंसान के लिए अत्यंत दुखदायी है, अत्यंत दुखों का कारण है। जब तक मेडिटेशन का जाम छलकाओगे नहीं, अंतस ध्यान की महान इस गिरी को चखोगे नहीं, जब तक तुम स्वयं अपने माइंड के प्रति परिचित नहीं होगे, जब तक तुम अपने माइंड के स्वभाव को समझने की सक्षमता पोटेंशियल डेवलप नहीं करोगे, जब तक तुम माइंड के स्वभाव को नहीं समझोगे, तब तक माइंड की गुलामी में सदा सदा सुखी दुखी होते रहोगे। कभी आनंद नहीं चख सकोगे, कभी मस्ती के जाम नहीं छलका सकोगे, कभी मस्ती की सरिता नहीं बहा सकोगे, कभी भी गौरवशाली गरिमामय जीवन नहीं जी सकोगे। हर कदम पे भय लगा रहेगा, निर्भय जीवन की महान आभा नहीं बन पाओगे। बहुत छोटी सी युक्ति है, थोड़ी सी इस्तेमाल कर, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन, इट्स अ नेक्टर फॉर योर गुड हेल्थ एंड हैप्पी लाइफ, इट्स अ नेक्टर। हमको न्यूयॉर्क में अमेरिकन पूछते हैं कैंप के अंदर, स्वामी जी आप क्या करते हैं? उनका मतलब आप कोई ना कोई जॉब करते होंगे, आप कोई ना कोई बिजनेस भी तो करते होंगे, आप क्या करते हैं? जब मेडिटेशन के चार्जेस नहीं, फीस नहीं, कोई पैकेज डील नहीं, तो आप अपना गुजारा कहाँ से करते हैं? कसम बहुत साधारण सी भाषा में क्वेश्चन करते हैं वो निराले लोग। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड अमेरिकन्स। हमने कहा ले सुन ले हम क्या करते हैं दीवानों मेडिटेटर्स, उसकी महफिल में मस्ती के जाम भरता हूँ, उसकी जॉब करता हूँ, उसकी महफिल में मस्ती के जाम भरता हूँ, उसकी मैं पीने पिलाने का काम करता हूँ। उसकी महफिल में मैं मस्ती के जाम भरता हूँ, उसकी महफिल में